नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। भारत में 75 अरब डॉलर का निवेश करने की मंशा जता चुके संयुक्त अरब अमीरात के सामने भारत ने निवेश के प्रस्ताव पेश कर दिए हैं। यूएई की यात्रा पर गए पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 अहम पेट्रोलियम परियोजनाओं में निवेश का प्रस्ताव किया है। ये पहली बार है कि भारत ने किसी देश के सामने कहां निवेश करना है और कितना निवेश करना है इसकी पूरी रूपरेखा पेश की है। भारत ने बिना रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में बनने वाली पेट्रो रसायन कॉम्प्लेक्स और एन्नोर एलएनजी टर्मिनल में निवेश करने का प्रस्ताव किया है। ईरान के बाद यूएई की यात्रा पर पहुंचे प्रधान ने वहां के ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक में ये प्रस्ताव पेश किया। आईएसआईएस ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के नामों की एक सूची जारी कर इन्हें काफिर का इमाम कहा है और अपने समर्थकों से वैसे लोगों की हत्या करने को कहा है जो उनसे असहमत है, जिनमें इस्लामी नेता भी शामिल है। अपने दुष्प्रचार पत्रिका दाबिक के ताजा अंक में आईएसआईएस ने उन धर्मगुरुओं को निशाना बनाया है जो उनकी आलोचना करते हैं। साथ ही कहा है कि काफिर के इमामों को मौत के घाट उतारा जाना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट में भारत में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर आलोचना की गई है। इसमें कहा गया है कि भारत में पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा किया जाने वाला उल्लंघन मानवाधिकार की सबसे बड़ी समस्या है। रिपोर्ट में 2002 के गुजरात दंगे के लिए जवाबदेही तय करने में विफलता को लेकर गैर सरकारी संगठनों की चिंताओं को भी उठाया गया है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के पहले हिंदू चीफ जस्टिस सुरेंद्र कुमार सिन्हा को हटाने की मांग उठी है। सत्तारूढ़ आवामी लीग से जुड़े संगठन ने बंगाली नववर्ष को दिए जाने वाले फंड के विरोध में मानव श्रृंखला बनाकर राजधानी में प्रदर्शन भी किया। धर्मनिरपेक्ष संगठनों ने इस पर आवामी लीग से सफाई मांगी है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका और उसके सहयोगियों की ओर से खूंखार आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की बात दोहराते हुए कहा कि आईएस सीरिया और इराक में बचाव की मुद्रा में है। ओबामा ने सीआईए मुख्यालय में शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ बैठक के बाद कहा कि सीरिया और इराक में आईएस बचाव की मुद्रा में है। अरब भागीदारों समेत हमारा 66 सदस्यीय संगठबंधन आक्रामक मुद्रा में है। हमने इस मामले में लय पकड़ ली है और हम इस लय को बरकरार रखने की इच्छा रखते हैं। ओबामा ने कहा कि ब्रसेल्स से लेकर इस्तांबुल तक हाल में हुए आतंकी हमले और इराक में फुटबॉल देख रहे बच्चों की हत्या दिखाती है कि इन आतंकवादियों में निर्दोष लोगों के खिलाफ भीषण हिंसा करने की अब भी क्षमता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की बाकी खबरें हमारी वेबसाइट के साथ साथ हमारे ऐप देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ईएमएस टीवी। नमस्कार। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश। मैं हूँ डेंगू फाइटर और मैंने अपने घर में इंसान के सबसे बड़े दुश्मन मच्छर को हराया है। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी जंग जीती कैसे, तो आइए बताता हूँ। डेंगू मच्छर के काटने से होता है और पानी ठहरेगा जहाँ मच्छर पलेगा वहाँ। इसीलिए उठाइए डेंगू के खिलाफ 5 बड़े कदम। छत एवं घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री में पानी जमा न होने दें। सप्ताह में एक दिन गमले, डिब्बे, बाल्टी, कूलर आदि का पानी खाली कर इसे सुखाकर भरें। कूलर में लगी पुरानी खस को जलाकर नई खस लगाएं। पानी के बर्तन को हमेशा ढक कर रखें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। बुखार के लक्षण आते ही शासकीय चिकित्सालय जाएं और निशुल्क उपचार पाएं। याद रखें, शीघ्र उपचार जान बचाएगा, विलंब घातक होगा। हमारी जिंदगी हमारी।